हेलो गाइज, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है साहिल गौतम एंड आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा कि कौन से टॉपिक पे मैं बनाने वाला हूँ। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने 10 दिन एटलीस्ट वेट किया, क्योंकि मैं चाहता था दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में जितनी भी डायलॉग्स होने हैं, जितनी भी चीज़ें होनी हैं, वो एक बार हो जाए और मैं एक आपको लेटेस्ट आउटकम या लेटेस्ट न्यूज़ दे पाऊँ कि जो प्रेजेंटली चल रहा है। और ये न्यूज़ हम दोनों के लिए, मेरे लिए पर्सनली और आप जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं और जिनका ड्रीम है कनाडा आके अपनी लाइफ को सेटल करने का, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इशू है राइट नाउ। क्योंकि अगर ये इशू बढ़ता जाता है तो इवेंचुअली आप पे, मुझ पे और जितने इमिग्रेंट्स हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो शुरू से शुरुआत करूँगा, मैं सारी बातें आपको बताऊँगा क्लियरली, ये बात शुरू कहाँ से हुई है और क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेज निकले हैं और कैसे इस चीज़ को टैकल किया जा सकता है, और क्या सच में हमारे स्टडी परमिट्स बैन हो गए हैं, क्या हमारे स्टडी परमिट्स पे रोक लग रही है, और अगर रोक लग रही है तो क्या क्या स्टेप्स हो रहे हैं जो कि गवर्नमेंट्स की तरफ से लिए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं बिना मैं किसी टाइम वेस्ट करे के। तो पहला आप ये वीडियो देखिए जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की है, जिन्होंने असेंबली के अंदर एक बयान दिया था इंडिया के ऊपर। of an extremely serious matter. I just informed the leaders of the opposition directly that I want now to speak with all Canadians. Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जैसा कि आपने सुना कि कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर एक एक्शन ले रही है कि आपने हमारे सिटीज़न को, कैनेडियन सिटीज़न की किलिंग के अंदर आपके जो एजेंट्स हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो यही एक शुरू एक बात है जहां से सारी बात शुरू हुई है। मेरा इस बात में कोई ओपिनियन नहीं है क्योंकि मैं इस बात में हूँ ही नहीं, क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ यहाँ पे। मैं आपको अपना एज अ स्टूडेंट के अकॉर्डिंग मैं इस सारी वीडियो बना रहा हूँ। तो उसके बाद क्या हमारे इस बात के बाद जो भी इनके डायलॉग्स हुए हैं, इसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं हर चीज़ के, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली जो हमारी बात है कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन डिप्लोमेट्स हैं दोनों को एक दूसरे की कंट्री से निकाल दिया गया है। इंडिया ने जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स थे इंडिया के अंदर उनको बोला कि आप 5 दिन आपके पास आप जाइए यहाँ से, और जो कैनेडा के अंदर इंडियन डिप्लोमेट्स थे उनको भी कैनेडियन नेशन है उन्होंने निकाल दिया। तो आप देख सकते हो ये चीज़ का कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगर हमारी एम्बेसी से सारे बंदे निकल जाएंगे तो वीज़ा प्रोसेसिंग में ले लो या एक दूसरे का जब मैटर सॉल्व करने के भी चांसेस बहुत मुश्किल लग जाते हैं, क्योंकि अगर एक दूसरे की कंट्री से दोनों डिप्लोमेट्स बाहर निकल जाते हैं। दूसरा टॉपिक हमारा है ट्रेड। ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा है? ट्रेड के ऊपर आप देखो राइट नाउ अपा हम सभी 2023 में हैं, तो 2023 में ग्लोबलाइजेशन के लिए ट्रेड कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक दूसरे दोनों देशों के अंदर होना, एक्सचेंज एक्सपोर्ट जो भी चीज़ें हैं इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और राइट नाउ दोनों के रिलेशंस के कारण, कनाडा और इंडिया के रिलेशंस के कारण ट्रेड रुक चुकी है जितने भी थे, क्योंकि मैंने कहीं से सुना था कि 70% ऑफ ट्रेड उन्होंने रोक दिया दोनों नेशन ने एक बार, क्योंकि कोई हल नहीं निकल रहा, बातों के बस आगे बात हो जा रही है, कोई हल नहीं आ रहा। और इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ ट्रैवल पे, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने इधर आना है, मैंने भी कभी इंडिया जाना है, तो ट्रैवल के कारण मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो कैनेडियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने एक एडवाइजरी जारी करी है ट्रैवल करने के लिए। अगर आप इंडिया जा रहे हो तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो एडवाइजरी में लिखा है कि अभी बहुत हाई रिस्क है अगर आप इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि या नॉर्दर्न पार्ट में उन्होंने लिखा भी है कि नॉर्दर्न पार्ट में आप ना जाइए क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। ये एडवाइजरी एक एज अ कोई वो नहीं है कि आप मत जाना, ऐसा नहीं है कि ये है कि आप ध्यान रखना, बस थोड़ा सा ये चीज़ है। और रिप्लाई में जो इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने सारे जो कि कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर्स जो हैं, जो कि सिटीजन्स हैं यहाँ के, उनके लिए एक बार के लिए टेम्परेरी वीज़ा सर्विसेज रोक दी गई हैं। तो इसके कारण क्या कि जो कैनेडियन सिटीजन्स हैं वो इंडिया नहीं जा सकते, हमारे ऊपर कोई नहीं। अगर आप और मैं, हम दोनों, मैं तो इंडियन सिटीज़न हूँ राइट नाउ, तो इंडियन सिटीज़न
जा सकते हैं, आपको कोई इशू नहीं है, आपको कोई रोका नहीं जा रहा है। बस हाँ, एक थोड़ा सा एडवाइजरी जारी करिए क्योंकि आप अपना ध्यान रख के जाएं, बस यही है एडवाइजरी के अंदर। और राइट नाउ इसके कारण मेरे को मेरे घर वालों ने फ़ोन किया कि क्या खबरें चल रही हैं, हम खबरें देख रहे हैं इंडिया में न्यूज़ चैनल्स पे, और कनाडा वालों भी इतने न्यूज़ चैनल्स देख रहे हैं कि क्या ये मतलब कि इशू इतना बड़ा बन गया कि कोई ग्राउंड के ऊपर कुछ ज़्यादा चीज़ें तो नहीं हो रही हैं कनाडा के अंदर या इंडिया के अंदर। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राउंड पर कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं हो रही, कोई गलत नहीं हो रहा है। सिर्फ आपको पता है कि न्यूज़ में थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के हर चीज़ बताया जाता है, तो न्यूज़ सारी न्यूज़ें सही नहीं होती। और हाँ, थोड़ी बहुत भी टेंशन चल रही है इंडिया और कनाडा के बीच में, क्योंकि आपको आपको वो तो सब आपको पता ही है कि क्या टेंशन चल रही है। होप कि आगे जाके सही हो जाए। अब मैं बात करता हूँ कि एंड द एंड कि हमारे ऊपर क्या असर पड़ने वाला है एज अ स्टूडेंट, आप पे और मुझ पे क्या असर पड़ेगा। तो रिसेंटली मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया कि जो वीज़ा प्रोसेसिंग है जैसे स्टडी परमिट्स के लिए, किसी भी परमिट्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यार चाइना और इंडिया यही दो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं जहाँ से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा या सबसे ज़्यादा इमिग्रेंट्स आते हैं कनाडा के अंदर। तो क्या हुआ, जो कनाडा के अंदर अभी रिफ्यूज़ल रेट्स इंक्रीज़ हो सकता है, मुझको लग भी रहा है, और क्योंकि क्योंकि मेरे कुछ दोस्तों ने बताया कि रिफ्यूज़ल रेट अब थोड़ा सा इंक्रीज, अगर ऐसी टेंशन चलती रहेगी तो रिफ्यूज़ल रेट इंक्रीज़ होगा, और प्रोसेसिंग भी मैंने सुना इंक्रीज़ हुई है हल्की सी। और ये अगर चीज़ अभी ज़्यादा जल्दी टैकल नहीं करी गई तो हम पे इवेंचुअली इफ़ेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग, मेरा ओपिनियन क्या है आप सभी लोगों के लिए जो राइट नाउ इस सिचुएशन में हम आ चुके हैं, तो मेरा ओपिनियन यही है कि एक अपना सेकंड प्लान ज़रूर बना के रखिए कि क्या सेकंड हमारा प्लान होना चाहिए। तो सेकंड प्लान जैसे कि अगर आपने आइल्स कर लिया, आप 12th के बाद इंडिया से कनाडा आना चाहते हो, तो अगर आप थोड़ा सा ये कारण जो थोड़ी जो अभी चल रही है सिचुएशन इसके कारण थोड़ा होल्ड लगाना चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको अपनी स्टडी कंटिन्यू कर लेनी चाहिए। किसी भी कॉलेज में इंडिया में आप लग जाओ और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखो, प्लीज़ अपना गैप मत डालना। और अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हो, स्टडी अभी आपका मन नहीं है स्टडी करने का, या कुछ भी कोई भी इशूज़ हैं अभी आप नहीं कर रहे हो, तो कोई भी काम जो आपका स्किल्ड काम वो सीख लो, लाइक वेल्डिंग सीख लो या प्लम्बिंग सीख लो। ऐसी चीज़ों के कारण आपकी जो PR है वो यहाँ पे कनाडा में सिर्फ आपकी स्टडी कंप्लीट करने के बाद 1 साल के अंदर ही हो जाती है, और इसके कारण आपका जो टाइम है वो भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि टाइम आप सबको पता है टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर अपना टाइम बचा लोगे तो सब कुछ बचा लोगे। तो टाइम वाली चीज़ जरूर दिमाग में अपने रख के आना, अगर आप वहाँ पे वेले बैठे तो कुछ चीज़ सीखो, और हमेशा अपना सेकंड प्लान जरूर अपना बना के रखा करो कि क्या करना है। और राइट नाउ आई नो टेंशन चल रही है इंडिया और कनाडा के बीच में, होली होली ये सॉल्व भी हो जाएंगी। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, 3-4 महीने भी लगेंगे सारी चीज़ें सेटल डाउन होने में, सारी चीज़ें बाहर आने में, क्या क्या इंडिया की कहाँ गलती है और कनाडा की कहाँ गलती है। तो आप और मुझको सबको अभी राइट नाउ बस मैं ये बताना चाहता हूँ कि जितनी भी चीज़ें चल रही हैं बस हौसला रखो, सब कुछ हो जाएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो, किसी भी मेरे रिगार्डिंग आपको मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो भाई आपका इंस्टाग्राम पे एक्टिव हो चुका है sahilgautam.ca मेरी ID है, जाके फॉलो करो। और कोई आपका कोई भी क्वेश्चन हो कॉलेज चेंज करने के रिगार्डिंग, जॉब के रिगार्डिंग, मुझे मैसेज करो, हम वहाँ पर बात कर लिया करेंगे। और मैं आगे किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ मुझे ये ज़रूर बताना। और जितने भी मैंने यहाँ पे अपनी वीडियो में जितने भी वीडियोस चलाई हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारे आपको नीचे मिल जाएंगे। ये मैंने अपने मन से कोई बातें नहीं बोली हैं, ये सारी नेट के ऊपर है, राउटर जो मेन मेन बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं जो कि बहुत अच्छी एजेंसीज हैं उनके ऊपर ये आर्टिकल लगे हुए हैं। तो मैंने अपने मन से कोई बात नहीं बोली है, तो बस यही कहूँगा कि हौसला रखो, सब कुछ हो जाएगा। और आपने मुझे अपना इतना वक्त दिया, थैंक यू।